तो भाई आ गए एक और नई वीडियो में। अपने इस बार मैं अपने टीममेट के साथ ड्यूओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ। तो जैसे ही हम अपने घर में उतरते हैं तो पहले मैं गन वन वगैरह खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर बंदूक के लिए निकलते हैं इधर से। तो आते ही मेरे को यहाँ पे MP5 मिल जाती है और SKS मिल जाती है, जो कि अपने लिए तबाही गन है। तो चलो देखते हैं बंदे कहाँ मिलते हैं। तो सामने घर में मेरे को एक बंदा दिखा जो कि दूसरे बंदे को मार रहा था, तो पहले उसको बजाते हैं। उसने एक किल कर दिए थे, दूसरे में मैंने उसको धर दिया उसी में SKS से। और फिर मैंने वहाँ से गोलियाँ वोलियाँ लेके फिर आगे की तरफ मैं बढ़ लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को हेलमेट और वेस्ट भी मिल जाती है। फिलहाल मेरे पास AKM और SKS थी, जो कि काफ़ी काम आती है शॉर्ट रेंज के लिए। तो चलो बंदों को खोजते हैं और उनको फेलते हैं। यहाँ पे मेरे को फिर AKM की थोड़ी गोली मिल जाती है, मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे। फिर आगे तो मेरा टीम कहता कि वहाँ ऊपर सीढ़ियों पे दो बंदे हैं, तो ये बंदा कहीं सामने था, उसको धर देते हैं SKS से। फिर एक बंदे की मेरे को आवाज़ आती है, अभी पास में ही गोली चल रही थी। तो मेरा टीममेट बोलता है तो उधर से चल, मैं इधर से आता हूँ। मैं वहाँ से थोड़ा ड्रिंक वगैरह उठा के फिर इधर निकलते हैं। इतने बंदा कहाँ पे है, उसको कैसे बजाते हैं। ये देखो बंदा सो रहा था लगता है, उसके ऐसे धर दिया इसको। क्या ही घूम रहा था बाद में, उसको मनॉक करने के बाद मेरा टीममेट किल लेने के लिए कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। और आगे ही बढ़ते हैं तो मेरे को फिर से गोली की आवाज़ आती, चलो बजाते हैं उनको। सामने ही बंदे को मैंने नॉक कर दिया है AKM से। फिर एक बंदा मेरे को दिखाई देता है तो उसको भी धर देते हैं, वो भी नॉक ही हो जाता है। फिर बंदा और मेरे को दिखाई पड़ता है वहाँ पर, पहले इसको फिनिश करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते। एक बंदा जिसको वो डैमेज दिया था, मैं उसको किल ले लेता हूँ मार के। अब मेरा टीममेट भी कोई कम नहीं था, अभी किल लेने के लिए खोज रहा था बंदों को। यहाँ पर भाई 2 मिनट में ही अपने 7 किल हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे 2 बंदे मेरे को दिखाई दिए वहाँ स्कॉट हाउस की तरफ से, तो मैंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी वहाँ पे, और एक नॉक हो गया और दूसरा भी नॉक हो गया था। 2-3 गोली लगता उसके वेस्ट पे पड़ गई थी, और वो दोनों नॉक हो गए थे। तभी मेरे को यहाँ पे एक बॉट दिखाई देता है, तो उसको ऐसे ऐसे बजा देते हैं। तो यहाँ पे बॉट के पास से मेरे को गोली मिल जाती है 12 गन गार्ड एमओ वाली। तब जो नॉक बंदा बचा था उसको फिर से मारते हैं बिना स्कोप के भाई साहब। तभी पीछे से मेरा टीममेट किसी एक बंदे को पूरा पूरा फिनिश कर देता है, मेरे को पता ही नहीं चलता। बाद में देखता हूँ कि उसका क्रेड बन गया। अब मेरे को लगा वहाँ पे बंदे हैं, तो मैं सोचता हूँ आगे जाके देखूँ। और मैं आगे जाके देखता हूँ, तभी आवाज़ आती है यहाँ टीममेट के पास से कि कोई पिछले गोल चला रहा। मैंने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं, वो अकेला संभाल लेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, जो क्रेट से मैंने AKM से बिना स्कोप के मारी थी बंदों की यही बनी थी। तो मेरे को यहाँ पे मिल जाती है 5mm की गोली। मैं AKM को यहीं पर छोड़ देता हूँ और 5mm की गोली ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरा टीममेट आता है, मैं उसको 1-1 की गोलियाँ दे देता हूँ और 5 की गोली ले लेता हूँ वहाँ से। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो एक ड्रॉप मिलता है, तो हम लोग उस ड्रॉप को लूट लेते हैं। मेरे को मिल जाती है तबाही गन, जो कि होती है M249। भाई यहाँ पर मेरे को Level 3 की वेस्ट मिल जाती है और M249। तो यहाँ पर इसको रिलोड ही कर रहा था। रिलोड करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि मेरे को 2 बंदे दिखाई पड़ते हैं। एक तो पानी में आता है और दूसरा
बंदा मेरे को ब्रिज पे मिलता है। ब्रिज वाले बंदे के डर से वो बंदा पानी की तरफ से जा रहा था, और ब्रिज वाला ब्रिज क्रॉस करके उसको मारने की कोशिश कर रहा था। तो अभी देखो उसको कैसे बजाते हैं 3x लगा के M4 9 में। पानी वाले बंदे की क्रेट तो पानी में ही बन गई थी, और फिर यहाँ पे ब्रिज वाले बंदे को बजाते हैं और वो नाक हो जाता है। तो गोलियाँ रिलोड करके मैं फिर से उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों की क्रेट्स बनाने के बाद हम लोग इधर से निकल जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं डाउनटाउन की तरफ। तो मेरा टीममेट कहता है कि वहाँ के हाउस में बंदे हैं, तो चलो उनको बजाते हैं। तो जाने से पहले मैं सोचता हूँ पहले क्यों ना एक नेट कर दिया जाए, ताकि बंदा अगर आगे हो पुश करने से पहले वो थोड़ा पीछे हट जाए। तो पहले नेट में तो वो नहीं मरता, फिर दूसरी नेट में करता हूँ तो पीछे की तरफ से कूद जाता है। तो अब सोचा कि बहुत हो गया, अब चलो रश करते हैं यहाँ पे उसको मारते हैं। तो बंदा यहाँ पे मिलता नहीं, ऊपर से कूद के नीचे चला जाता। फिर देखो कैसे बजाते हैं उसको। और लास्ट किया एक एसकेस गोली से उसकी तबाही की बॉक्स क्रेट बन जाती है। और यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं एसकेस के लिए सम्प्रेसर, जो कि कमाल की है, मोटी सी सम्प्रेसर है इसकी। उसके बाद यहाँ से एक गाड़ी की आवाज़ आती है, जो कि जाती है। तो मैं उसको अभी देखो 3x लगा के कैसे बजाता हूँ। भाई इस गाड़ी की क्रेट पे तो एक लाइक बनती है, और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपने को यहाँ की क्रेट से मिल जाती है 6x। तो अपन यहाँ पे 6x को यहीं छोड़ देते हैं और 6x को ला के यहाँ पे एडजस्ट करके फिर इधर से निकलते हैं। इधर पे भी कोई बंदा था नहीं, डाउन टाउन जो कि अब आधा हो चुका था। अपन ने तो पूरा थर्ड भी खाली कर दिया था। मेरा टीममेट चाहता कि अपन लोग इधर चले, तो उधर अपन लोग आके देखते हैं स्कूल के पास की बिल्डिंग में कि यहाँ पे बंदा नहीं था। तो मैं सोचते हैं छत पे चेक करते हैं। तो छत पे जाते हैं तो अपन को मिल जाती है एक मेडिकिट बड़ी वाली, और फिर 5 की गोली। तो क्यों ना लूट पार्टी कर ली जाए जब तक कोई बंदा नहीं मिलता। तो गोली वोली मिलने के बाद अपन चेक करते हैं बंदा है कहाँ पे। तो पहले इधर उधर देखते हैं ऐसे कि कोई फ्री फायर दे तो नहीं रहा, तो बंदा इधर होता नहीं पीछे की तरफ। उसके बाद मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ एक बार बिल्डिंग में, तो यहाँ पे भी बंदा होता नहीं। तभी मेरे को बंदा दिखाई पड़ता है जो कि लो हेल्थ में था, डैमेज होता हुआ आया था। इधर उधर नजर गड़ाने के बाद बंदा मिलता नहीं, तो बंदा एक सामने से भाग रहा था जो कि बिल्लो स्पीड में था और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। 2-3 गोलियों में उसका पेट वहीं पर बन जाता है। फिर लास्ट का एक ही बंदा बचा था, अपने टीम में पता कि चलो अब रश करते हैं मारते हैं, फिर अपन निकल लेते गाड़ी लेके। गाड़ी लेके अपन आ जाते हैं डाउनटाउन की एक पहाड़ी पे जो स्कूल के पास होती है। तो अपने यहाँ पे चेक करते हैं कि बंदा कहीं साफ तो नहीं बना हुआ है। तो बंदा इधर से मिलता नहीं भाई। अब यहाँ पे ड्रॉप गिरा होता है, तो अपन चेक करते हैं कि कहीं स्कूल के पास तो ऊपर से तो नहीं आ रहा है, तो वहाँ से भी बंदा नहीं आ रहा होता है। जैसे ही अपन इधर से उधर होते तभी एक बंदा फ्री फायर देता है पीछे से। मेरे को पता चल जाता है कि बंदा बस जोन से भाग के आता हुआ है, और उसको यहीं पर धर देते हैं। और भाई ये आसानी से अपनी चिकन डिनर हो गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी।